अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन कैसे हैं, खैरियत से हैं। मैं रोज़ाना एक लेटर का रिव्यू करता हूं, तो आज मैं ओपन में जो है ना बैठा हुआ हूं। चूँकि बादल छाए हुए हैं, शाम का वक्त है, तो मैंने सोचा पिक्चर क्वालिटी भी थोड़ी बेहतर आएगी, लेकिन थोड़ा सा अंधेरा पड़ रहा है जिसकी वजह से शायद पिक्चर क्वालिटी में कुछ इफ़ेक्ट पड़ रहा हो। लेकिन ये है कि ऐसे में ओपन इन्वायरमेंट में भी जो है ना एक इंजॉयमेंट भी होती है, आप भी लोकेशन देख के खुश होते हैं। तो आज भी रिव्यू करेंगे एक लेटर का, अभी देख लेते हैं कि कौन सा लेटर है हमारे पास, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ये एक लेटर मैंने निकाल लिया है, ये लेटर है जी, नाज़रीन देख सकते हैं, इस लेटर का रिव्यू हम करेंगे। तो ये लेटर आया जी एम्बेसी ऑफ जापान इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट इस्लामाबाद पाकिस्तान। ये जापानी एम्बेसी जो है इस्लामाबाद के अंदर, उनकी तरफ से ये लेटर आया है। तो अभी पढ़ते हैं इस लेटर के अंदर क्या है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये नीचे उनका जवाब है। ये तो ये मैंने उनको शायद लेटर लिखा था किसी वाले से, तो उसका उन्होंने जवाब दिया है। सॉरी, ये उसी लेटर पे उनके प्रिंट करके जवाब दे दिया है। तो जो मैंने लिखा था, डियर सर, आई एम सेंडिंग एन एडवर्टीजमेंट टू यू, प्लीज़ सर द प्रिंटेड पेज इज़ फॉर ट्रांसलेटिंग इन जैपनीज लैंग्वेज, प्लीज़ ट्रांसलेट दैट पेज इन योर कंट्री लैंग्वेज एंड सेंड इट बैक टू मी एज सून एज पॉसिबल, आई होप यू विल हेल्प मी, थैंक यू अल्ताफ मलक। इसका उन्होंने आगे जवाब लिखा है जी, ये जवाब है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ये टाइप किया हुआ है उन्होंने। ये जवाब इन्होंने लिखा जी, थैंक्स फॉर राइटिंग अस लेटर, हमें ख़त लिखने का शुक्रिया, वी फील सॉरी टू इन्फॉर्म यू, हम आपको ये इतला देते हुए अफसोस कर रहे हैं, दैट एम्बेसी ऑफ जापान डज नॉट प्रोवाइड ट्रांसलेशन फैसिलिटी, कि जापान की एम्बेसी जो है तर्जमा करने की सहूलत मुहैया नहीं करती है। यू आर रिक्वेस्टेड टू कंटेक्ट टू सम ऑर्गेनाइजेशन आर इंडिविजुअल्स हु प्रोवाइड सच सर्विसेज, आपसे गुजारिश की जाती है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी फ़र्द से राबता करें जो ये तर्जमा करने की सहूलत मुहैया करता हो। थैंक्स एंड बेस्ट रिगार्ड, शुक्रिया एम्बेसी ऑफ जापान इस्लामाबाद, जापान की एम्बेसी से। ये जापान की एम्बेसी से ये उन्होंने, मैंने लेटर लिखा था उनको, शायद मैं कोई एडवर्टीजमेंट थी जिसको मैं चाह रहा था पूरी दुनिया में, और वहाँ की जो मुतलका कंट्री हो उस ज़बान में जो है ना मैं वो कर सकूँ ट्रांसलेट, तो उस वाले से मैं लेटर लिखता था। अब मैं जब लेटर पढ़ता हूँ तो मुझे भी ताज्जुब होता है कि मैं कहाँ कहाँ किधर किधर रबते करता रहा हूँ और किस किस मामले में रबते करता रहा हूँ। तो उम्मीद है कि इस लेटर से भी आपको कोई इंस्पिरेशन मिली होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में मुझे दें इजाज़त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नेक्स्ट वीडियो में नए लेटर का रिव्यू होगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बाय बाय।